टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजनेस न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। मुख्तार अंसारी के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। हार्ट स्ट्रोक की शिकायत पर मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जैसे जिलों में पुलिस की टीम गश्त पर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का कहना है कि मेरे पिता के खाने में जहर दिया गया और उन्हें मुकम्मल इलाज नहीं किया गया। ये मौत नहीं, हत्या है। हम इस मामले की लीगल तरीके से जांच करवाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार 29 मार्च को भीषण सड़क हादसा हुआ। रामबन के पास जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक कैब खाई में गिर गई, जिसकी वजह से इसमें सवार 10 लोगों की मौत हो गई। बिहार में महागठबंधन में सीटों पर फैसला हो गया है। आज दोपहर में ऐलान होगा। आरजेडी 26, कांग्रेस 9, सीपीआईएमएल 3, सीपीआईएम 1 और सीपीआईएम को एक सीट मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस चर्चा का वीडियो सामने आया है। दोनों के बीच टेक्नोलॉजी, शिक्षा, हेल्थ से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली में इंडिया फ्रंट का प्रदर्शन होगा। बीजेपी दफ्तर के सामने धरना और घेराव होगा। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी हिरासत में रहेंगे। अफगानिस्तान में आज सुबह 5:11 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जालंधर से विधायक शीतल अंगुराल ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी इलाके में 10वीं कक्षा की लिखित परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका ना दिखाने पर 3 छात्रों ने अपने सहपाठी पर कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। महाराष्ट्र में पहले चरण के मतदान के लिए 110 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाया गया है। पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होने हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग, ईसी और उच्चतम न्यायालय को पत्र लिखकर बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे पर सांसद नवनीत राणा से जुड़ा भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप वळसे पाटील बुधवार को घर में फिसल कर गिर गए, जिससे उनको कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर प्रचार की अहम जिम्मेदारी है। रामदास आठवले का दावा है कि महायुति में नए साझेदारों को तरजीह दी जा रही है। 12 साल पुरानी सहयोगी पार्टी आरपीआई को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए पब्लिक एंड पब्लिकेशन कमेटी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है। सीनियर नेता सुशील कुमार शिंदे को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में खलल डालने के लिए नक्सली तैयार में जुटे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया है। मशहूर एक्टर गोविंदा ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और शिवसेना में शामिल हो गए। उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट मिल सकता है। बिग बॉस 17 फेम और यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने अपना पहला घर खरीद लिया है। अनुराग ने अपनी मां के नाम पर इस घर को खरीदा है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग में दी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज। नमस्कार।